हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है और आम का सीज़न जा रहा है, तो इस जाते हुए सीज़न में आम का मिठाई बना लें और इसको एंजॉय करें। बहुत हेल्दी तरीके से बनाएंगे आज, और बहुत लोग बाहर का मिठाई खाना नहीं चाहते हैं तो ये मिठाई ज़रूर खाएंगे, बहुत टेस्टी है। और एक नारियल लेना है पानी वाला, उसके इस हार्ड पार्ट को जिससे मैं खरीदी थी वो भैया ना उसको हटा दिए हैं, तो मैं उसको अच्छे से धो ली हूँ। और धोने के बाद इसके ऊपर का स्किन जो ब्राउन कलर का होता है ना, उसको भी छिलकर आप हटा दें। और फिर मैं धोई हूँ क्योंकि छिलके में भी थोड़ा सा रुखरापन होता है, तो उसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद देखिए इसका पानी निकाल कर उसको छान कर पी जाएँ, और नारियल को धो कर आप एकदम साफ बर्तन में स्लाइस स्लाइस कट कर लें। जितना पतला स्लाइस करेंगे उतना ही अच्छे से मिक्सी में इसका पाउडर बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे सारा स्लाइस स्लाइस मैं कट कर ली हूँ। उसी तरह से आम को भी धो लेना है। धोने के बाद आप उसके छिलके को हटा लें। आम एकदम मीठा लीजिएगा क्योंकि इसमें हम ज़्यादा चीनी उनी नहीं डालेंगे, और मिठाई बहुत हेल्दी तरीके से, ना घी डलेगा ना तेल डलेगा, और ये मिठाई बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो आम को आप छील लें। दो आम ली हूँ मैं, एक नारियल ली हूँ। उसी हिसाब से आपको ज़्यादा बनाना होगा तो क्वांटिटी आप बढ़ा लेंगे। और आम को देखिए सारे पल्प को, थाली को भी मैं अच्छे से धो ली हूँ। उसी में पल्प को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। किसी भी मेहमान के घर जा रहे हैं ये मिठाई आप बनाकर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बाहर के मिठाई बहुत लोग खाना अवॉइड कर दिए हैं। तो इस मिठाई को ज़रूर आप लोग एक बार ट्राई करें, बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी है। अब मैं किचन में जा रही हूँ, मिक्सी जार का है। मिक्सी जार एकदम साफ़ लेंगे, ड्राई लेंगे, और कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो उसमें सारा कोकोनट मैं डाल दी हूँ, उसको एकदम पाउडर पीस लें। बिना पानी का कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही आपको एकदम पाउडर बना लेना है कोकोनट का। और देखिए यहाँ पे सारा कोकोनट का मैं पाउडर बना ली हूँ, और उसी जार में हम आम के पल्प को भी डाल देंगे। और सारा आम का पल्प मैं डाल दी हूँ, और उसको भी आप एकदम बिना पानी का आप एकदम स्मूथ एकदम लिक्विड बना लेंगे। उसमें फ्लेवर के लिए मैं 6-7 इलायची को ना कूट ली हूँ। कूटने से ना उसका सब खुल जाता है ना, तो बहुत अच्छे से वो पिस जाते हैं। तो इस तरह से मैं कूट कर डाल रही हूँ छिलका के साथ, और मैं इसमें आम के साथ ही पीस लूँगी, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके मिठाई का। यहाँ भी देखिए कोकोनट एकदम अच्छे से एकदम दरदरा पाउडर जैसा हो गया है। कोई भी कढ़ाई लें, फ्राई पैन लें, जिसमें आप बनाना चाहते हैं उसमें सारे कोकोनट को डाल देना है। ना घी डालना है ना तेल डालना है, बस सीधे आपको गैस पर रखना है और धीरे धीरे उसको लो कर दे गैस को, और भूनते रहें 3-4 मिनट इसका अच्छे से भुनाई करें आप। और यहाँ पर बीच में देखिए यहाँ पर पल्प भी मैं बनाकर रेडी कर ली हूँ। इसी तरह से बिना पानी का स्मूथ एकदम पेस्ट जैसा बनाकर आप रेडी कर ले। और इधर कोकोनट भी भून रहे हैं धीरे धीरे, आप उसको भूने 3-4 मिनट। जब एकदम अच्छे से ड्राई हो जाएगा तभी आप उसमें आम के पल्प को डालेंगे। यहाँ पर देखिए ड्राई हो गया है, अब मैं आम के पल्प को डाल रही हूँ, और सारा उसको डाल दें। अब पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और डालकर अच्छे से आपको भूनना है। तो यहाँ पर देखिए मैं भुनना शुरू कर दी हूँ, और उसी तरह से आपको भुनना है। कोई कलर बाहर से मैं नहीं डाली हूँ। अब मैं यहाँ पर 3 चम्मच भूरा डालूंगी, जिसको खांड भी बोलते हैं। तो ये 3 चम्मच आपको डालना है। इसके जगह पे आप मिश्री भी पाउडर करके डाल सकते हैं। कोई वाइट शुगर मत डालिएगा, क्योंकि आजकल वाइट शुगर कोई खाना नहीं चाहता और हेल्दी है भी नहीं। तो इस तरह से आप ये मिठाई बनाकर किसी भी मेहमान को भी जिसके घर जा रहे हैं रिलेटिव में दे सकते हैं। बहुत कम खर्च में बहुत जल्दी ये बनता है। तो 3 चम्मच आपको खांड डालना है, 3 चम्मच मैं यहाँ पर 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालूँगी। मिल्क पाउडर डालने से एक तो एकदम गाढ़ा हो जाएगा, ऊपर से एकदम खोआ जैसा टेस्ट आ जाता है, तो मिठाई में 4 चांद लग जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो सब मिलाकर मैं यहाँ पे 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाली हूँ। धीरे धीरे करके डालना है। और केसर अगर थोड़ा सा है तो कलर के लिए केसर डाल सकते हैं भूनते समय, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हल्का सा कलर डालना चाहते हैं तो कलर भी डाल सकते हैं। मगर मैं यहाँ पर कोई कलर नहीं डाली हूँ, कुछ भी नहीं डाली हूँ, नेचुरल एकदम बन रहा है। कोई ऐसा बाहर का सामान नहीं है जो खाने में आपको अनहेल्दी करे। सारा देखिए मिलाकर मैं धीरे धीरे 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल चुकी हूँ। अब मिल्क पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब एकदम ये गाढ़ा हो चुका है। अब
इसको धीरे धीरे एकदम इतना पका लेना है ताकि ये डो फॉर्म में एकदम तैयार हो जाए। और यहाँ पर देखिए एकदम डो जैसा बनने लगा है, एकदम कढ़ाई को ये छोड़ने लगेगा तो आप समझ लीजिएगा कि एकदम ये तैयार हो गया है। अब इसी तरह से आपको गैस को बंद कर देना है, थोड़ी देर आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अगर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो इसी फॉर्म में थोड़ा सा गीला रहे तभी आप एक प्लेट में उसको जमा लें और जमा कर फ्रीज में रख दें, और चांदी का वर्क लगा के चांदी का पेपर जो आता है उसको लगा लें और उसको पीस पीस कट कर लें। यहाँ पर देखिए ड्राई कोकोनट पाउडर मार्केट में मिलता है, उसको मैं ली हूँ, और इसको जितने बड़े साइज़ में आपको लड्डू बनाना है उस हिसाब से बना लें। और बना के उसमें ड्राई कोकोनट में इसको डिप कर लें, और डिप करने से ये पूरा एकदम अच्छे से मिठाई का रूप आ जाता है और अच्छे से ड्राई लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, और ड्राई ड्राई गीला गीला बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम ड्राई ड्राई हो जाता है। तो ऐसे आप एकदम मिठाई बना के रख लें और दो आम एक नारियल में बहुत सारे मिठाई बनकर तैयार हो जाते हैं, तो है ना बहुत टेस्टी। तो एक बार आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिए, यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। किसी के घर भी जाना है तो आप एक डब्बा रखें और उसमें इस तरह से पिस्ता ऊपर से मैं लगा दी हूँ और मिठाई एकदम रेडी हो गया है। अब इसे मेहमान के घर भी आप ले जा सकते हैं, और एक डब्बा और तीन एक्स्ट्रा बचा हुआ था, इतना सारे मिठाई बन गए हैं, मतलब 18-19 पीस मिठाई बनकर रेडी हो गया है। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।